हंटर फिल्म का हीरो मंदार सेक्स की तुलना पॉटी करने से करता है। कहता है सेक्स करना पॉटी करने की तरह शारीरिक जरूरत है। अपने को वह वासु मानता है, वासु यानी जो सेक्स करने की चाहत को काबू में नहीं रख पाता है। लव और सेक्स को लेकर वह कंफ्यूज नहीं है, लेकिन ये हंटर खुद प्यार का शिकार बन जाता है। निर्देशक हर्षवर्धन कुलकर्णी ने मंदार के बचपन से लेकर तो उसके अंकल बनने की यात्रा को फिल्म में पेश किया है। इस यात्रा में बचपन वाला पक्ष मजेदार है। मिस्टेक हो गया, मुझे लगा छोटा चेतन इसलिए देखने है। बेस्ट पे लाइन मारो यार, पटने के चांसेस ज्यादा होते। हाय, आई एम मंदार, मंदार पोंक्षे, आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू। सेक्स के लिए लड़कियों महिलाओं पर डोरे डालने वाला मंदार को झटका तब लगता है जब फ्लर्टिंग करने के चक्कर में उसे अंकल कहा जाता है और पिटाई कर दी जाती है। उसे अपने दोस्त नजर आते हैं जो शादी कर सेटल हो चुके हैं। वह वासु बन थक चुका है और सेटल होना चाहता है। शादी के लिए वह तृप्ति नामक लड़की से मिलता है और अपने आप को दूध की तरह धुला पेश करता है। यहीं से फिल्म बिखरने लगती है। तृप्ति और मंदार की कहानी को बेहद लंबा खींचा गया है। हर्षवर्धन ने इस मामले पर इतने फुटेज खर्च किए हैं कि सिनेमा हॉल में दर्शकों को महसूस होने लगता है कि यह फिल्म खत्म भी होगी या नहीं। प्यार है या नहीं का कन्फ्यूजन हम पहले भी कई फिल्मों में देखते आए हैं और यह प्रसंग इस फिल्म में भी देखने को मिलता है। शुरुआत में फिल्म अपेक्षाएं जगाती है, लेकिन फिर उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। कुछ अनावश्यक बातें भी फिल्म में जोड़ी गई हैं जिनका मूल कहानी से कोई लेना देना नहीं है। निर्देशक हर्षवर्धन कुलकर्णी का कहानी को पर्दे पर पेश करने का तरीका भी कन्फ्यूजिंग है। बार बार फिल्म अतीत और वर्तमान में झूलती रहती है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। मंदार के शादी करने के फैसले को भी ठीक से जस्टिफाई नहीं किया गया है। राइटिंग डिपार्टमेंट में फिल्म कमजोर साबित हुई है। एक लव स्टोरी को वासु वाला तड़का लगाकर पेश किया गया है। जब तक वासुगिरी फिल्म में दिखाई गई है, फिल्म अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद फिल्म ट्रैक से उतर जाती है। हालांकि इस एडल्ट कॉमेडी में कई क्षण मनोरंजक भी हैं। फिल्म की सबसे अच्छी बात इसकी कास्टिंग है। हर कलाकार अपनी भूमिका में परफेक्ट लगा है। फिल्म का संगीत मधुर है, नैना और बचपन सुनने लायक है। खाली जो चाहे परोस दो, चाहे बासी रोटी हो, नमक थोड़ा, नमक थोड़ा, नमक थोड़ा ठूस दो। हंटर ने जाल तो अच्छा बिछाया, लेकिन इसमें शिकार नहीं फंसा। इसे मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।